सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड फाइनली एक और न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो के साथ। आज के वीडियो में मैं आपके पॉपुलैरिटी से रिलेटेड सारे क्वेरीज एंड डाउट्स क्लियर करने वाला हूं, और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसके मदद से आप किसी भी बंदे का पॉपुलैरिटी चेक कर सकते हो। सपोज़ अगर कोई बंदा अपना पॉपुलैरिटी हाइड किया है तो भी इस मेथड के तरीके से आप उस बंदे की पॉपुलैरिटी चेक कर सकते हो। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप खुद की पॉपुलैरिटी हाइड कर सकते हो। आप लोगों में से ऐसे काफ़ी सारे गेमर्स होंगे जिनकी पॉपुलैरिटी बहुत ही कम होने के कारण उनको बहुत ही न्यू वाली फीलिंग आती है और उनके फ्रेंड्स उनको चिढ़ाते हैं। तो गाइस, अब इसका टेंशन नहीं लेने का, आपके भाई ने वो सेटिंग ढूंढ निकाली है जहाँ से आप अपनी पॉपुलैरिटी हाइड कर सकते हो। तो वीडियो लोग है ना कमाल की बात, तो इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल वाले नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो। तो बिना किसी बकचोदी के आइए ले चलते हैं हम आपको वीडियो की तरफ। एंड हाँ गाइस, आप वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप मत करना, वरना आपको कोई भी पार्ट समझ में नहीं आएगा और आपको वीडियो रिपीट देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि पॉपुलैरिटी क्या होती है। सपोज़ करो अगर कोई न्यू बिगिनर यानी कि कोई न्यू बंदा BGMI इंस्टॉल करता है तो उसको तो पता नहीं है कि आपकी गेमिंग कैसी है, या फिर उसको ये पता नहीं है कि आपका गेम प्ले कैसा है, तो उसको कैसे पता चलेगा कि आप प्रो हो या फिर नूब हो। तो गाइस, ये जो पॉपुलैरिटी होती है इसको देखने के बाद उसको जज किया जाता है, मतलब कोई बंदा इसे जज करता है कि आप प्रो हो या फिर नूब हो। अब मैं आता हूँ टॉपिक पे और आपको बताता हूँ कि कैसे आप किसी भी बंदे का पॉपुलैरिटी चेक कर सकते हो। ऊपर जो आपकी फ्रेंड लिस्ट शो हो रही है, सबसे पहले उस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप किसी भी बंदे के प्रोफाइल पर अगर टैप करते हो तो उस पर टैप करने के बाद यहाँ पे आपको उसकी पॉपुलैरिटी दिख जाएगी। तो इस तरह से आप किसी भी बंदे की पॉपुलैरिटी चेक कर सकते हो। लेकिन गाइस, यहाँ से आपको उन्हीं बंदों की पॉपुलैरिटी शो होगी जिन्होंने अपना पॉपुलैरिटी हाइड नहीं किया है। लेकिन जिन बंदों ने अपना पॉपुलैरिटी हाइड किया है, अब उनका क्या? यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे बंदों के नाम शो कर रहा हूँ जिन्होंने अपना पॉपुलैरिटी हाइड किया हुआ है, तो आप इनका नाम नोट कर सकते हो। बाद में मैं आपको इनके नाम का पॉपुलैरिटी शो करके दिखाऊंगा कैसे इन्होंने अपना पॉपुलैरिटी हाइड किया है और कैसे आप इनका पॉपुलैरिटी देख सकते हो। तो सबसे पहला जो हमारा बंदा है उसका नाम है द फ्लैश, और जो हमारा सेकंड बंदा है दोस्तों जिसने अपना पॉपुलैरिटी हाइड किया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो धर्मेंद्र, यानी कि इस बंदे ने भी अपना पॉपुलैरिटी हाइड किया हुआ है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इन बंदों का पॉपुलैरिटी देख सकते हो। तो इन बंदों का पॉपुलैरिटी चेक करने के लिए आपको सबसे पहले आ जाना अपने मेन स्क्रीन पे। मेन स्क्रीन पे आने के बाद नीचे एक एरो होगा, उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद राइट साइड में एक विंडो ओपन होगा, इस विंडो पे एक ऑप्शन होगा रैंक का, तो इस रैंक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक लिस्ट ओपन होगी, और इस लिस्ट में उन बंदों के नाम से जो इंडिया के टॉप मोस्ट रैंक प्लेयर है, यानी कि इन बंदों की सबसे ज़्यादा हाई पॉपुलैरिटी है। तो यहाँ पे इंडिया के टॉप हाई रेटेड पॉपुलैरिटी प्लेयर्स के नाम शो हो रहे हैं। यहीं पर ऊपर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स, तो इस पर कर लेना है टैप। जब इस पर टैप करोगे तो यहाँ पे आपके जो भी फ्रेंड्स की लिस्ट होगी वो सभी शो होगी, और जिस भी बंदे का आप पॉपुलैरिटी चेक करना चाहते हो उसके प्रोफाइल पर आपको क्लिक करना है। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पर एक नया पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर नीचे राइट साइड में पॉपुलैरिटी का एक आइकन शो हो रहा होगा नीचे कॉर्नर में, तो इस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे उस बंदे की पॉपुलैरिटी शो होगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी बंदे का पॉपुलैरिटी चेक कर सकते हो, यानी कि जिस बंदे ने अपना पॉपुलैरिटी हाइड किया होगा उसका भी पॉपुलैरिटी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो ये थी गाइस दूसरों की पॉपुलैरिटी चेक करने की मेथड, और अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपनी खुद की पॉपुलैरिटी चेक कर सकते हो और उसको हाइड कर सकते हो या फिर अनहाइड कर सकते हो। अब आप लोगों में से ऐसे काफ़ी सारे गेमर्स होंगे जिनको अपनी पॉपुलैरिटी हाइड करनी होगी लेकिन उनको पता नहीं है कि कहाँ से वो इसको हाइड कर सकते हैं। इवन इस मेथड की ज़रूरत मुझे भी थी क्योंकि मेरी भी पॉपुलैरिटी बहुत ही कम है, तो मुझे भी बहुत ही शर्म आ रही थी इसको शो करने में, तो मैंने भी इसको हाइड कर दिया है। तो अगर आपकी भी पॉपुलैरिटी मेरी तरह बहुत ही कम है तो आप भी इस मेथड के ज़रिए इसको हाइड कर सकते हो। और अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप खुद की पॉपुलैरिटी चेक कर सकते हो और उसको हाइड कर सकते हो। मेन स्क्रीन के लॉबी में ऊपर तीन आइकन शो हो रहे हैं, एक हेलमेट का, दूसरा BGMI का लोगो और तीसरा एक कैरी बैग का।
तो इस हेलमेट वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है, यानी कि इस हेलमेट वाले लोगो पे टैप कर देना है। यहाँ पे राइट साइड में नीचे मेरी पॉपुलैरिटी शो हो रही है, तो इस तरह से आप अपनी पॉपुलैरिटी चेक कर सकते हो। इस पे टैप करके आप ये भी देख सकते हो कि आपके किस फ्रेंड ने आपको कितना पॉपुलैरिटी सेंड किया है। इस पे टैप करने के बाद आपके सारे फ्रेंड्स के नाम आ जाएंगे जिन्होंने आपको पॉपुलैरिटी सेंड किया होगा, और उन्होंने कितना सेंड किया वो सभी यहाँ पे शो होने लगेगा। और अब हम बात करेंगे दोस्तों कि कैसे हम अपना खुद का पॉपुलैरिटी हाइड कर सकते हैं। खुद की पॉपुलैरिटी हाइड करने के लिए आ जाना है मेन स्क्रीन पे। मेन स्क्रीन पे आने के बाद यहाँ पे ऊपर लेफ्ट साइड में अपने प्रोफाइल पे टैप कर देना है। इस पे टैप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन होगा, आप देख सकते हो यहाँ पे। इस सेटिंग वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है। जब आप इस पे टैप करोगे दोस्तों तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे ऑप्शन आएंगे टाइटल, अवतार, अवतार फ्रेम, नेम टैग। साथ ही साथ यहाँ पे एक और ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, कनेक्शंस, तो इस पे कर देना है टैप। जब आप इस पे टैप करोगे दोस्तों तो आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा, और इस पेज को जब आप थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करोगे अपनी स्क्रीन को, तो थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद नीचे का ऑप्शन देखने को मिलेगा, अलाउ अदर्स टू व्यू पॉपुलैरिटी। तो दोस्तों यही वो रामबाण इलाज है जिसको अप्लाई करने के बाद आप अपनी पॉपुलैरिटी हाइड कर सकते हो। तो अगर आप इसको इनेबल कर लोगे तो आपकी पॉपुलैरिटी हाइड हो जाएगी, और आपका कोई भी फ्रेंड आपका पॉपुलैरिटी चेक नहीं कर पाएगा, आपकी पॉपुलैरिटी देख नहीं पाएगा। अब कुछ गेमर्स ऐसे भी होंगे हमारे बीच जिनको पॉपुलैरिटी सेंड करने ही नहीं आता। तो दोस्तों ये तो बहुत ही सिंपल मेथड है, लेकिन कुछ बंदे ऐसे भी है जिनको पॉपुलैरिटी सेंड करने ही नहीं आता। तो उनको मैं बता दूँ कि पॉपुलैरिटी सेंड करने के लिए आपके मेन स्क्रीन पर जो आपकी फ्रेंड की लिस्ट है उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको उस बंदे को सिलेक्ट कर लेना है जिसको आप पॉपुलैरिटी सेंड करना चाहते हो। तो यहाँ पे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तो मैं किसी एक बंदे को पॉपुलैरिटी सेंड करके दिखाता हूँ। मेरा ही एक टीममेट है पबजी पुजारी YT, तो मैं इसे ही सेंड करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसके प्रोफाइल पर टैप करूँगा। प्रोफाइल पर टैप करने के बाद इसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर ओपन हो जाएगी, और यहाँ पर आपको वो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जहाँ से आप उसे पॉपुलैरिटी सेंड कर सकते हो। यहाँ पर एक ऑप्शन है सेंड गिफ्ट, तो इस पर कर देना है टैप। इस पर टैप जब आप करोगे तो यहाँ पे आपके जो भी गिफ्ट्स होंगे वो सभी यहाँ पे शो होने लगेंगे जिन्हें आप सेंड कर सकते हो अपने फ्रेंड को। आई होप गाइस मैंने पॉपुलैरिटी को लेकर सारे डाउट्स क्लियर कर दिए यहाँ पे। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं सॉल्यूशन बता दूंगा। आप अगर चाहें तो मुझे भी पॉपुलैरिटी सेंड कर सकते हो अपना लव शो करने के लिए, अपना फैन सपोर्ट शो करने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर।